हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं फोर्थ ग्रुप वाई रीजनिंग का पार्ट सिक्स मॉक टेस्ट को, ठीक है। और देखो, आप जो परेशान हो ना, लेके सर रीजनिंग तो आप इजी कराते हो, क्या इतना इजी आएगा? रीजनिंग इजी ही होता है, जो 10 क्वेश्चन होते हैं वर्बल वाले, जो डिफिकल्ट होता है वो नॉन वर्बल होते हैं। आप एग्जाम के बाद कभी नहीं आपने सुना होगा, या फिर आप आओगे भी एग्जाम देके तो कभी नहीं सुनोगे ना कि रीजनिंग हमसे ना बना। कहेंगे सर नॉन वर्बल हमसे नहीं बना, वर्बल रीजनिंग सब पीट के आते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैथ के छूटते हैं ड्यू टू टाइम, ठीक है। टाइम उनको नहीं मिल पाता है प्रॉपर, टाइम भी मिलता है बट उनकी स्पीड नहीं होती है, तो उसके बीच में आपको स्पीड मेंटेन करना होता है और नॉन वर्बल पे फोकस करना होता है। नॉन वर्बल जितना ज़्यादा ज़्यादा करो, ठीक है, क्योंकि आपका कितना भी पढ़ लेते हैं नॉन वर्बल, अगर उस टाइम माइंड में अगर सही चीज़ें समझ में नहीं आई कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है नॉन वर्बल, तो वो नहीं बनता है। बाकी रीजनिंग जो क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश मॉक टेस्ट जो चल रही है, मैथ की जो क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे प्रैक्टिस के लिए, उनकी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम पे सर्च करना @ATTUDESTUDY और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप भी है, एक चैनल ज्वाइन करोगे ग्रुप मिल जाएगा। ग्रुप में अभी बच्चे चैट वैट करते रहते हैं, सवाल वगैरह पूछते रहते हैं। बाकी आप में से कोई अगर पेड बैच लेके पढ़ना चाहते, कम टाइम के अंदर बेस्ट तैयारी करनी है आपको, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। आराम से बेसिक कंसेप्ट पढ़ा दिए जाएंगे आपको, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे रीजनिंग हो वर्बल प्लस नॉन वर्बल, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो। तो वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे रिकॉर्डेड आपको, साथ में आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। इसी 600 रुपये में आपको सब चीज़ मिलेंगी। हमारी जो पेड PDF आती है वो इसी बैच के अंदर मिल जाएगा आपको। तो इस बैच को मतलब क्या कहते हैं, कंप्लीट बैच है ये वाई ग्रुप के लिए। इस बैच के बाद मेरे हिसाब से कोई बुक वगैरह भी ना खरीदे ना, तो भी आपकी काम चल जाती है। अगर आपको टॉपर्स बनने तो बुक खरीद सकते हो, लूसेंट जीके का, मैथ के और क्वेश्चंस के लिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है मात्र, टॉपर से कोई मतलब नहीं है, रैंक वैंक से, तो ये बैच सफिशियंट है सिलेक्शन के लिए। आने वाले 2 महीने में अगर दबा के हम इस पर हार्डवर्क कर दें तो हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने रिजल्ट दिखाया ना, नेवी एमआर का भी, SSR का भी, दबा के हमारे बच्चों ने रिजल्ट दिया। इसके पहले मैंने एयरफोर्स का भी रिजल्ट दिखाया था, दबा के रिजल्ट हुआ, कोस्ट गार्ड का भी हुआ, तो हमारे बैचेस से रिजल्ट होता ही होता है असल में। बाकी डिस्क्रिप्शन में ATTUDESTUDY ऐप का लिंक दे देंगे हम, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करो। पेमेंट वगैरह करने में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना, हमारे टीम मेंबर आपकी मदद कर देंगे 7279047787। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ इंग्लिश की बैच चाहिए, आपको पूरा बैच नहीं चाहिए एक्स एंड या वाई का, तो एक्स एंड या फिर वाई जो भी बैच के, अगर आप सिर्फ इंग्लिश की लेना चाहते हो तो 250 रुपीज़ में इंग्लिश ग्रामर की पढ़ सकते हो। उसमें हम वो क्या आपकी क्वेश्चंस की PDF दे देंगे, प्रैक्टिस को नहीं, क्वेश्चंस की PDF दे देंगे, उतना से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार पढ़ के देखो। ऑनलाइन सिर्फ मॉक टेस्ट लेना तो वो भी ले सकते हो, अदरवाइज आप पेड बैचेस लेते हो फुल वाली वाई ग्रुप की, तो उसमें मॉक टेस्ट मिल जाएगा, अलग से बाई नहीं करना पड़ेगा, या फिर सिर्फ अलग से सिर्फ मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हो। सब चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक है ATTUDESTUDY ऐप का, जाके आप डाउनलोड करो, पढ़ाई को बढ़िया करो। यारा इसमें सबसे बताओ, अगर ये 56:95 है तो इसकी तरह रिलेशन रखने वाला कौन सा एक पेयर है, ये बताओ। करना उस विकल्प को चुनिए जिनमें से दी गई संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दी गई संख्याओं के समूह से है। मतलब इसका रिलेशन जिस तरीके से 56 का 95 से है, इस तरीके का ना क्वालिटी रखने वाला, गुण रखने वाला, प्रॉपर्टी रखने वाला कौन सा ऑप्शन है आपको चूज करना है। अब आप कहोगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये किस तरीके से किया गया है, ना तो ये डिवाइड कर सकता है ना कुछ कर सकता है, तो फिर क्या करें? सिंपली आप 95 को 56 से मल्टीप्लाई करके देख लो वैल्यू क्या आती है। तो कहोगे सर 15 में से 6 जाएगा तो 9, और यहाँ पे 39, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाला तो 39 आ गया। तो क्या हम ऑप्शन 1 का अगर हम करके देखें, ऑप्शन ए में 82 में से अगर हम 43 को माइनस करा लेंगे तो क्या हमारा ये वैल्यू मिल जाएगा? तो बोलोगे सर हाँ 39 मिल रहा है। बी को अगर करेंगे 83 में से 53 माइनस कराओगे तो कहोगे सर 30 आ रहा है। सी में से अगर 60 में से 29 करा देंगे तो कहोगे नहीं सर हमको क्या मिल गया, ये 31 मिल गया, ठीक है। और डी है क्या 97 में से 61 माइनस करा लो, यहाँ पे माइनस करा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे साइन नहीं दे रखा तो कन्फ्यूज नहीं होना। और ये 43 था ऑप्शन ए वाला, हाँ ये क्या रह गया आपका 36, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे बी में 30 है, सी में 31 है, बट ए के अंदर 39 है, और हमारा ये जो पेयर था इनका भी वैल्यू 39 था माइनस करने पे, तो ए जो है बिल्कुल भी एग्जैक्ट आपका यही आंसर सही है, ठीक है। अगर ये लॉजिक आपने लगाया होगा, आपका आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है, इंस्पायर को अगर हम JPVTNXL लिखते हैं तो फिर परसिस्ट को क्या लिखेंगे? ये चीज़ थोड़ा सा ना दिमाग में सोचो और सवाल को बनाओ, वीडियो को रोको।
मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या है वर्ड, INSPIRE, इंस्पायर। आई में हमने अगर एक जोड़ा तो आई के बाद क्या होता है जे, एन के बाद क्या होता है भाई ओ, फिर यहाँ पे लेकिन पी दे रखा है तो मतलब हमने टू ऐड कर रखा है, एस में थ्री ऐड कर दो टी यू भी, पी में फोर ऐड कर दो क्यू आर एस टी, फिर इसमें फाइव ऐड कर दो एन हो जाएगा, सिक्स ऐड कर दो एक्स हो जाएगा, सेवन ऐड कर दो क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आपको कुछ नहीं, समझने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, ये चीज़ है ये वही काम आपको करना है किसके अंदर, परसिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 जितने अल्फाबेट्स हैं इसके अंदर ऐड करते जाओ उतने नंबर, ठीक है, आराम से सवाल बनेगा आपका। अगर वन कर दो इसके अंदर, प्लस टू कर दो, प्लस थ्री कर दो, फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, अगर हम पी में एक ऐड कर दें क्यू, ई में कर दो टू ऐड तो जी बन जाएगा, आर में करोगे तो एस टी यू बन जाएगा, फिर एस में करोगे तो क्या बनेगा टी यू बी डब्ल्यू। ऑप्शंस मैच कर रहे हैं क्या, देखो ऑप्शन मैच तो कर रहा है बट यहाँ दोनों में डब्ल्यू डब्ल्यू है, एन एन है तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, आई में फाइव ऐड करोगे तो एन मिलेगा, अब एस में सिक्स ऐड करो टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई तो ऑप्शन क्या हो जाएगा वाई, तो वाई वाला ऑप्शन नंबर डी है, बाकी सेवन ऐड करोगे तो ए मिल ही जाना है, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, टी में अगर सेवन ऐड करेंगे तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बट इतना अगर मान लो अगर यहीं से हमको आंसर मिल जा रहा है तो आगे जोड़ने की जरूरत नहीं थी, आगे हम बढ़ सकते थे यहीं से। थर्ड नंबर कह रहे हैं देखो ए है ब्लैंक है, फिर बी सी ब्लैंक खाली स्थान, बी खाली स्थान, डी और खाली स्थान। अब सवाल इसमें यह आता है ना कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भरे तो भरे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम काउंट करेंगे कितने है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भाई ये 10 है, तो हमने पढ़ा था ना कि इसको या तो बराबर भाग में बांटा करो, अगर बराबर भाग में बांट भी देना तो ये 4 एंड 5 तो यहाँ से कट जा रहे हैं, तो ये कुछ हमको लॉजिक नहीं मिल रहा, बिकॉज देखो इनकी स्टार्टिंग क्या हो रही है सी से हो रही है और इसका स्टार्टिंग ए से, तो बराबर बराबर भाग में बांटने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन एक चीज़ हमको समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे ए के बाद क्या है डैश बी है, फिर देखो सी भी है यहाँ पर, यहाँ पर भी है, मतलब बीच में फिल करना, और यहाँ के बाद डी भी है क्या थर्ड नंबर पर और बीच बीच में फिल करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, एक बार ए आया होगा, दो बार बी आ गया, तीन बार सी आ गया और चार बार डी आ गया, समझ में आ रहा है, ए एक बार, बी दो नंबर पे आता है तो दो बार बी, सी तीन नंबर पे आता है तो तीन बार सी, डी चार बार आता है, चार नंबर पे आता है तो चार बार डी, तो हमने फिल क्या कर दिया पहले बी, फिर हमने फिल किया सी, फिर हमने फिल किया डी एंड फिर कर दिया डी, तो क्या बी सी डी डी किसी ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, बिल्कुल भी सही चीज़ है ये। अब इसमें देखो कोई फिक्स लॉजिक नहीं होता, आपको एक ऐसा सीरीज देखना होता है ना कि हाँ लगे कि एक सही सीरीज में है, कभी कभार पार्ट बाई पार्ट तीन तीन के पेयर में तोड़ दो, तीन तीन की मतलब जो ऑर्डरिंग है सबकी सेम रहती है, चार चार के पेयर में तोड़ दो, चारों की ऑर्डरिंग सेम होती है, तो इस तरीके से भी सवाल दिए जाते हैं जो हमने पहले पढ़ा भी है। एक वेन डायग्राम है मैमल्स इंजीनियर और ह्यूमन, ठीक है, तो मेरे को ये बताओ जितने भी स्तनधारी हैं वो क्या है, वो बच्चे देते हैं अंडे नहीं देते, ये चीज़ पता है आपको, मतलब स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं वो बच्चे देते हैं, वो अंडा नहीं, लेकिन आपने कभी भी अपने लाइफ में सुना कोई इंजीनियर अंडा देता हो, कितना भी पढ़ लिख जाए वो पढ़ने लिखने से अंडा देने की प्रवृत्ति तो नहीं ला देगा अपने अंदर, है ना, कहोगे तुम इंजीनियर हो तुम कुछ भी कर सकते हो तुम अंडा भी दे सकते हो, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, कोई भी मनुष्य अंडा देगा कहोगे नहीं सर, क्योंकि इंजीनियर भी मनुष्य ही होते हैं, तो एक चीज़ समझ लो जितने भी स्तनधारी होते हैं मैमल्स, ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाएगा ह्यूमन, क्योंकि जितना भी ह्यूमन लोग होते हैं ना मनुष्य जितने भी हो सारे के सारे मैमल्स ही है, लेकिन सारे मैमल्स ह्यूमन नहीं है बट सारे ह्यूमन जो है आपके मैमल्स होते हैं, क्योंकि मैमल्स के अंदर जानवर भी हो जाते हैं जैसे डॉग्स कैट्स, तो ये सभी अंडे नहीं देते, तो ह्यूमन जो है आपके क्या है मैमल्स है, लेकिन जितने इंजीनियर है वो क्या है भाई ह्यूमन है, कुत्ते बिल्लियाँ इंजीनियर नहीं बनते हैं, तो इसको इंजीनियर्स को अंदर डाल दो, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके चलो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर कह रहा है इस ये जो आपका एक इक्वेशन दे रखा है इसमें से हम क्या दो नंबर्स को या दो साइन को चेंज करेंगे ए बी सी डी किसी को, तो ये वैल्यू इसकी 197 के बराबर आनी चाहिए, चलो तो हम स्टार्टिंग ए से ही करेंगे ना ये चीज़, बट एक चीज़ और हम देख सकते हैं जनरली ना हमको देखो कि कौन सी चीज़ें, देखो जैसे 12 19 को डिवाइड करेंगे 19/12 तो क्या डिवाइड हो सकता है, कभी नहीं, तो स्टार्टिंग में ना मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता, दिख रहा आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसके अलावा अगर हम 12 को 51 से डिवाइड मारेंगे तो क्या कटेगा, तो नहीं, तो माइनस को भी
हटाने की जरूरत नहीं है वहाँ से फिलहाल के लिए। सोचो डिवाइड को अगर हम हटाएंगे 51/34 डिवाइड करेगा, कहोगे नहीं सर ये भी तो नहीं लगता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 34/17 करेंगे तो आराम से 2 बार में कट रहा है। तो ये चीज़ जब तुमको समझ में आ गई ना, समझ लो कि इस प्लस को अगर हम पहले डिवाइड करने की चेष्टा माइंड में करते हैं, अगर सोचते हैं ये विचार लाते हैं, तो हमको किसी समस्या का समाधान मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो पहले वही काम करेंगे जिसको डिवाइड हो सके। तो इसको डिवाइड, प्लस को डिवाइड कहाँ कहाँ गए, तो प्लस को डिवाइड कर दो। और यहाँ पे इसके साथ एक चीज़ और लॉजिक क्या है ना कि 34 के जगह पे 51 करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं। अगर हम यहाँ पे 51 कर देंगे तो भी 17 से डिवाइड हो जाएगा। इसको 34 बना दें कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये डिवाइड मार सकते हैं। तो हम क्यों ना ऑप्शन नंबर ए को ही पहले देखें। अगर ये चीज़ सी में भी रहता है ना, ये चीज़ें यहाँ पे हम अगर इसको रिप्लेस कर दें तो भी हम इसी को पहले करते हैं, बिकॉज अपने सटीक यहाँ पे मिल रहे हैं। 19 × 12 − 51, अब 51 नहीं लिख सकते, 34 लिखेंगे इसको। अब यहाँ पे फिर हो जाएगा डिवाइड का प्लस कर दो, फिर यहाँ पे 51 और यहाँ पे प्लस का डिवाइड कर दो 17। अब इसकी वैल्यू 197 के बराबर आ रही है कि नहीं, अभी ये सस्पेंस है हमारे लिए। तो ये 17 जो ये 3 times में कट जाने, अब 19 को यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना आपके लिए एक पहाड़ वाली काम हो सकती है, बट कोई इशू नहीं है। 19 × 2 = 38 और 38 से एक थोड़ा सा पीछे करके 19 को ऐड कर दो आप। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या ना, अगर इसको सॉल्व करना है तो ज़्यादा नहीं, देखो 19 × 2 = 38 और 19 ऐसे ऐड कर दो, 228 हो जाएगा। 228 − ये हो जाएगा +3, ठीक है। अब ये 3 को हम पहले ऐड करेंगे, 331 हो जाएगा। अब इसमें अपने को 34 माइनस करा लेना है, ठीक है ना। अब देखते हैं 34 माइनस कराने के बाद इतना वैल्यू 97 आता है कि नहीं, 197 तो आ जाएगा। ये इस तरीके से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, ठीक है। मैं इतना आराम आराम से पढ़ाने का रीज़न समझ रहे हो क्या है, मैं इतना ईजी मतलब धीरे धीरे पढ़ाता नहीं हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं सर थोड़ा कैलकुलेशन ना धीरे कर दिया करो, कभी कभार समझ में नहीं आता, ठीक है, इसी वजह से आराम से करो। आगे देखो एक सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन में कह रहा है पहले 31 है, 35 है, फिर 43 है, फिर आपका 59 है, फिर कह रहा है 91 है, फिर अगला सीरीज क्या होगा, इसके अंदर कितना ऐड कर रखा है। मेरे हिसाब से 4, आपके हिसाब से भी 4 ही ऐड होगा। उसके बाद 34 में कितना ऐड करेंगे, अगर 8 ऐड कर दोगे आप तो 43 आ जाएगा। 43 में कितना ऐड कर दोगे आप, 16 में कितना ऐड कर दो, सॉरी 59 में कितना ऐड कर रहा है इसने, 10 = 11 और यहाँ पे 5 × 4 = 9 मतलब 32। देखो यहाँ पे 4 का दोगुना ऐड कर रखा, 8 का 2 times ऐड कर रखा, 16 का 2 times, तो यहाँ पे 32 का 2 times क्या होता है, 91 में 64 ऐड कर दो, 155 आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो 7 नंबर कह रहा है अगर हम 84 × 13 को 8 बना सकते हैं, अगर हम 37 × 13 को 6 बना सकते हैं, 26 × 11 को अगर 6 बना सकते हैं, तो हम 56 × 22 को क्या बना सकते हैं। तो अगर सर ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको क्या बनाओगे, लेकिन ये चीज़ें ना मेरे पे डिपेंड नहीं करता, ये आस पे भी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमने इसको कैसे बना रखा है। तो सबसे पहले 8 and 4 को ऐड कर दो, 3 and 1 को ऐड कर दो, क्या मिलेगा, 8 + 4 करो और इसमें से माइनस कर देंगे 1 + 3, तो 12 − 4 = 8 मिल गया, ठीक है। 3 + 7 ऐड कर दो, −1 + 3 ऐड कर दो, तो 10 − 4 = 6 मिल गया। 2 + 6 माइनस कर दो, 1 + 1 −8 − 2 = 6 मिल गया, ठीक है। इसमें 5 + 6 कर दो, −2 + 2 कर दो, 11 − 2 जो मिल जाएगा आपको वही आंसर है, सॉरी 11 − 4 जो मिल जाएगा 7, वही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना लिया और उम्मीद है कि आप भी इसको कर लिए होंगे। 8 नंबर कह रहा है चलो बताओ इसके आगे की जो श्रृंखला है वो कौन सी होगी। तो इस श्रृंखला का आपने मतलब सीरीज की जो वैल्यू आपने निकाल ली होगी अभी तक, क्योंकि ये इजी सा सीरीज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके अंदर 3 भुजाएं हैं, 3 sides हैं, इसके अंदर 4 sides हैं, 5 sides हैं, 6 sides हैं, अगले वाले में 7 भुजाएं या फिर 7 sides होने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, बाकी किसी के अंदर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, देखो कभी ऐसा मत करना, ठीक है, लेकिन ये इंसान कर रहा है। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमन अपने मित्र को बताता है वह मेरे पिता की, मतलब कौन भाई, अमन ये पिता के, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी क्या हो गई मतलब अमन की माता जी, और इनकी पत्नी के इकलौते पुत्र, तो खुद अमन ही हो गया, अब पुत्र की पुत्री है वो क्या है, डॉक्टर है।
तो ऑब्वियसली वो अमन से कैसे संबंधित है, उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो अमन से उसकी बेटी हो गई ना, तो अपने बारे में जिक्र कर रहा था, अपनी बेटी के बारे में। ठीक है ये तो चलो ठीक है, इसकी बेटी है चल जाएगा, लेकिन आप ऐसा काम मत करना, किसी और की ऊपर इशारा नहीं करते, कुटाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ने में आधा नींद हो लग सकता है, मतलब एक बार सो सकते हैं पढ़ते पढ़ते, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा सवाल है। देखो सबसे पहले सीता और गीता स्थान ए से चलना प्रारंभ करती है। सीता उत्तर की तरफ 6 किलोमीटर चलती है और फिर उसके बाद दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। वह तब दक्षिण की ओर दाएं दिशा लेती है और 6 किलोमीटर चलती है। वह फिर बाएं ओर मुड़ती है, 3 किलोमीटर चलती है और स्थान बी पर पहुंचती है। गीता 3 किलोमीटर पश्चिम की तरह चलती है और बाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलती है और स्थान सी पर पहुंचती है। स्थान बी तथा स्थान सी कितनी दूरी पर है? पहली बात तो ऐसे सवाल बनाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कौन सीता है, कौन गीता है, कौन कहाँ चली, यही प्रॉब्लम होता है। नाम भी देना होता है ना, थोड़ा ढंग का देना कि अच्छा हाँ एक मान लो ललन भैया है तो एक मोहन भैया, ऐसा टाइप का सवाल देगा तो पढ़ने में मजा आएगा। अभी सीता गीता एक ही दिशा लगता है, चलो बना देते हैं सीता गीता। और देखो सीता और गीता स्थान ए से चलना स्टार्ट करती है, मान लो ये ए है और सीता उत्तर की तरफ चलती हैं 6 किलोमीटर। इसके बाद कहाँ जा रही हैं, वो राइट साइड मुड़ती हैं 3 किलोमीटर। ठीक है सीता जी सब साउथ में जाती हैं और 6 किलोमीटर आ गई साउथ में, बिल्कुल इसके पैरेलल 6 किलोमीटर। यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़ के वो 3 किलोमीटर, साउथ में लेफ्ट किधर होता है, इधर ही होता है, 3 किलोमीटर चलती हैं सीता जी और बी पे पहुँच जाती हैं, तो बी रह गया। और फिर गीता जी ए से ही चलेंगे, ठीक है गीता जी 3 किलोमीटर पश्चिम में चलेंगे, पश्चिम में ये रहा आपका, और यहाँ से लेफ्ट मुड़ के 6 किलोमीटर ले लिया उन्होंने नीचे की साइड में, लेफ्ट तो नीचे ही होता है साउथ में। फिर यहाँ से सीधे बाएं मुड़ेंगे और 9 किलोमीटर। तो पहली बात तो ये 3 किलोमीटर, ये पोजिशन 3 किलोमीटर और ये मतलब बिल्कुल भी बी के ना एकदम नीचे जाके खड़ी हो जाएंगी। आज आज जा सीता यहीं पे है, हम गीता जी आ जाएंगी सी पे। अब ये बी से सी तक की डिस्टेंस बताओ, तो ये लाइन जो है ना देखो ये वाली पोजिशन जो है ना 6 किलोमीटर, तो इसकी भी वैल्यू 6 किलोमीटर हो जाएगी, तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में। अब जरा कमेंट करके बताइए कितने स्कोर आपके हुए। ठीक है बाकी जानने से पहले टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इस बैच को ज्वाइन करो कम टाइम के अंदर, बढ़िया तैयारी करने की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप पढ़ लोगे बढ़िया से तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है प्रॉपर सिलेबस फॉलो कराई जाएगी, या फिर आपको सिर्फ इंग्लिश की बैच लेनी है वो भी ले सकते हो। बाकी कोई भी पेमेंट रिलेटेड कोई इशू है व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो आप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और हाँ सुनो वीडियो को जरा लाइक कर दिया करो, बहुत आलसी लोग हो आप लोग, ठीक है देख के चले जाते हो, लाइक करो शेयर कर दो।